और हमने उन सारे हेट से सीखा और फन किया है और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वरीशा एक मिमिकिंग डेंटिस्ट है। मैं सदफ कमल से नहीं मिली, लेकिन मैं ताबिश खोजा से मिली थी और उसने मुझे दूर से देख के बोला था, यू लुक लाइक सदफ कमल। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद लगती हूँ। उसके अलावा मैं हीरा मानी से एक दफा मैं फ्लाइट पे आ रही थी, तो मेरे साथ के लिए तुम तो बिल्कुल सदफ कमल जैसी हो। आपको मेरी शक्ल से, बैठने से, कहीं से लग रहा है कि मुझे फर्क पड़ा होगा? मेरी हॉबीज, मैं ड्रामे करती हूँ, मैं मेकअप भी करती हूँ, मैं पबजी भी खेलती हूँ और मैं पूरा दिन सोती भी रहती हूँ। ये सारी मेरी हॉबीज हैं। सोशल मीडिया का सफ़र, अभी तक जो 2 साल मेरे ब्लॉग के थे वो काफ़ी लोकी थे, नॉट लॉट ऑफ पीपल न्यू मी। फिर वो एक दिन में जो जैसे ही चार्ट जाता है ना, वो हुआ था मेरे साथ। जिसके पास, अरे मेरे पास मेरा इतना अमेजिंग मियां है, ससुर हैं, घर है इतना प्यारा, मुझे लोगों की जरूरत नहीं। नहीं, बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़की है, तो चले अभी बोल रही है। मेरी शादी पे अगर ये सब हुआ है तो इससे इतना बड़ी बात नहीं है, पहले भी होता रहा है हर किसी के साथ। हाँ, तो आई डोंट केयर। मुझे ऐसे पता चला कि मेरी वीडियो क्लिक हो गई है कि पहले तो पेजेस शेयर कर रहे थे, तब मैं फील कर रही थी कि अच्छा, मतलब थोड़ी रिकॉग्निशन मिल रही है। तो जब सदफ कमल ने अपनी स्टोरी पे लगाया तब मैंने बोला हो गया काम। बेसिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग लड़की है और मेरे वाले, मैं तो कहती हूँ और बोलो, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे वो क्या बोलते हैं, गुना दुलेंगे। ये भी बड़ी कमाल बात। स्कूल में भी टीचर्स को कॉपी करती थी और कोई दोस्तों की मैं हरकतें देखती थी तो बाद में बाकी सबको करके दिखाती थी, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मतलब ये चीज मेरे अंदर थी कि मैं लोगों को देख के उनकी आदतें, उनके बोलने का स्टाइल कैच कर लेती थी हमेशा से। ये एक्चुअली जब मेरा पर्सनल ब्लॉग नहीं था, जब मेरा पर्सनल अकाउंट भी था, उस पर भी मैं ऐसी टिकटॉक और म्यूजिकली डबस्मैश जब से आया ना तब से बना के डालती थी और सब बहुत, मेरे जो दोस्त थे वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो अभी तक मैं अपने ब्लॉग पे नहीं लाई थी क्योंकि मुझे लगता था वो एक ऐसी फन साइड है, तो ब्लॉग को थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें। तो जब भी मैंने अपने दोस्तों को वीडियो दिखाई तो उन्होंने बोला कि ये डालो ब्लॉग पे, तो बस फिर उसके बाद सबने देख ली मेरा टैलेंट। थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा है, ट्रेलर देखा है, बाकी पूरी मूवी हूँ मैं। सदफ को मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि बी योर अनअपोलोजेटिक सेल्फ और आप जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसी रहें और हेट को आपके गुना धुलेंगे, डोंट वरी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने से टाइम में इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली और मतलब एक दिन के अंदर इतना प्यार, मतलब लोग मेरे DMs भरे हैं आपकी अगली वीडियो कब आ रही है, अगली वीडियो कब आ रही है, तो वो आएगी, डोंट वरी, आने वाली।